हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 6 ऐसी ऑसम एप्लीकेशन जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है डबल टैप टू लॉक। तो गाइस, ये काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप अपने डिवाइस को अनलॉक और लॉक करने के लिए सिर्फ अपनी स्क्रीन पर डबल टैप कीजिए। उसकी मदद से आप बड़ी आसानी से इसे लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर डबल टैप सेट कर सकते हैं, आप ट्रिपल टैप भी सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर बैक प्रेस करता हूँ और अपनी स्क्रीन पर डबल टैप करता हूँ, तो इसकी मदद से मैं इसे अनलॉक और लॉक कर सकता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों, अगर आपका बटन ख़राब हो चुका है तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई वेब पेज ओपन किया हो या व्हाट्सएप ओपन किया हो तो आप इसे क्विकली लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक वेब पेज ओपन करके दिखा देता हूँ। सिंपली आपको कहीं भी इसे स्क्रीन पर टैप कीजिए, उसे अनलॉक और लॉक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, आपको ये बटन प्रेस नहीं करना पड़ता। सिंपली आप कहीं भी अगर आपने कुछ भी ओपन किया हो तो सिर्फ इस पर डबल टैप कीजिए, इससे आप बड़ी आसानी से इसे लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है यूनिवर्सल कॉपी। तो गाइस, ये काफ़ी बढ़िया और यूज़फुल एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप अपने स्क्रीन पर कुछ भी कॉपी कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसे इनेबल कर लीजिए, मैं इसे इनेबल कर देता हूँ और बैक प्रेस करता हूँ। तो दोस्तों, इनेबल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने स्क्रीन पर कुछ भी कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सएप लिखा हुआ है, तो मैं इसे कॉपी करना चाहता हूँ, सिंपली यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और कहीं भी इसे पेस्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया और यूज़फुल एप्लीकेशन है। अगर आपको कुछ भी टेक्स्ट कॉपी करना है तो इस एप्लीकेशन की मदद से कुछ भी कॉपी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया और यूज़फुल एप्लीकेशन है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इमेज टू PDF। तो गाइस, ये काफ़ी बढ़िया और यूज़फुल एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप अपनी फ़ोटोज़ को PDF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कोई भी रेंडमली फ़ोटोज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करके कोई भी फ़ोटो चुन लेता हूँ। तो दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया और यूज़फुल एप्लीकेशन है अगर आप अपनी फ़ोटोज़ को PDF फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ताकि आप उसे कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, बाद में उसे कहीं भी सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप कहीं भी इसे सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका साइज़ वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फाइल सेव होना शुरू हो चुकी है। सिंपली दोस्तों, आप इसे कहीं भी अपने फ्रेंड को सेंड कर सकते हैं या गूगल ड्राइव में अपनी फ़ोटोज़ को सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया और यूनिक ऑप्शन है, आप एक साथ अपनी फ़ोटोज़ को स्टोर कर सकते हैं या किसी को भी सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो भी फ़ोटो सेलेक्ट की हुई है यहाँ पर आ चुकी है, और मैं इसे व्हाट्सएप पर या किसी भी गूगल ड्राइव पर या कुछ भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो मैं यहाँ पर आपको व्हाट्सएप पर सेंड करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इससे आप एक साथ व्हाट्सएप पर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ सेंड कर सकते हैं, वो चाहे कितने भी हो। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फ़ोटो सेंड होना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया और यूज़फुल एप्लीकेशन है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो क्या दोस्तों, आप भी इस तरह के फिल्टर्स को यूज़ करके इस तरह की फ़ोटोज़ को एडिट करना चाहते हैं? तो दोस्तों, नेक्स्ट एप्लीकेशन है कैलोस फिल्टर। तो गाइस, ये काफ़ी बढ़िया और यूज़फुल एप्लीकेशन है जिसकी मदद से काफ़ी कूल और यूनिक स्टाइल से आप अपनी फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे यूनिक फिल्टर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप काफ़ी सारे यूनिक फिल्टर को यूज़ करके आप अपनी फ़ोटोज़ को काफ़ी कूल बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया और यूनिक एप्लीकेशन है, तो आप इस एप्लीकेशन को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है ब्लैक वॉलपेपर। तो गाइस, काफ़ी बढ़िया और यूज़फुल एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप कूल वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी ब्लैक कलर में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल और यूनिक लुक देते हैं ये वॉलपेपर। तो दोस्तों, देखने को काफ़ी सिंपल और कूल वॉलपेपर लगते हैं, और दोस्तों इसके साथ साथ ये बैटरी को भी सेव करते हैं, क्योंकि ये ब्लैक कलर में होते हैं और काफ़ी सारे यूज़र इसे यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है LED स्क्रोलर। तो गाइस, ये काफ़ी बढ़िया और फन एप्लीकेशन है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी मैंने टेक्स्ट यहाँ पर डाला हुआ है, बिल्कुल एक ब्लूटूथ स्पीकर के ऊपर जो भी आपको एनिमेशन मिलती है उसकी तरह आपको ये शो कर रहा है। दोस्तों, आप इसकी स्पीड यहाँ पर इसे एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इसका साइज़ वगैरह रिसाइज कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इमोजी भी डाली हुई है। तो दोस्तों, आप इसका कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं और सिंपली स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इमोजी यहाँ पर डाल दी है, आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ऐसे इमोजी आपको डाल के दिखा देता हूँ, और सिंपली आप कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हैं और ये देखने को काफ़ी बढ़िया लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक इमोजी डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। सिंपली दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया इफेक्ट लग रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप कोई ब्लूटूथ स्पीकर परचेस करते हैं उसके ऊपर जो स्क्रीन होती है उस तरह का आपको इफेक्ट मिलता है। तो ये काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, सभी एप्लीकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से फॉलो करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो जरूर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, फिर मिलते हैं, बाय बाय।